हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस मानव स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको लिया गया है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, यानी कि वायरस के द्वारा होने वाला कौन सा रोग है। इसमें ऑप्शन चार दिए गए हैं, चिकन पॉक्स, रेबीज, एड्स या सभी। तो जो चिकन पॉक्स होता है, रेबीज होता है और एड्स, ये तीनों जो हैं वायरस जनित रोग हैं, यानी कि विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है, तपेदिक, लेप्रोसी एंड कॉलेरा या सभी। तो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग तपेदिक भी है, लेप्रोसी भी है और कॉलेरा भी है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्स रोग का विषाणु है यानी कि एड्स रोग किस विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन दिया गया है, विब्रियो, बेरिसेला, एचआईवी, रूबेलो। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो एचआईवी। एचआईवी के द्वारा जो रोग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एड्स। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग होता है किसके कारण, माइकोबैक्टीरियम, वाउचेरिया, प्लाज्मोडियम, टेपवार्म। तो जो मलेरिया रोग होता है वो मादा एनोफिलीज द्वारा फैलाया जाता है, लेकिन होता किसके द्वारा है, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोवन है। अगला है, टीबी के लिए दिया जाने वाला टीका, तो टीबी के लिए जो टीका दिया जाता है, बीसीजी, डीपीटी, पल्स, मृत वायरस। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बीसीजी, बैसिलस क्यूरिन एंड गोनोरिया। तो ये सबसे मिल करके बनाया गया है। तो टीबी के लिए तो टीका दिया जाता है, उसका नाम है बीसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम किस विटामिन का है, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो विटामिन सी के लिए। तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन, जल में विलेय या जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो विटामिन ए, ई, बी, के। तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछा गया है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन बी, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है, घेंघा रोग यानी कि सिंपल गोइटर रोग किसके कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण, लौह की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आयोडीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतौंधी रोग किस की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी जो होता है ये आँख से संबंधित एक बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो विटामिन के की कमी से यदि हमें चोट लग जाता है तो रक्त का थक्का समय से नहीं बनता है, तो इसको हम लोग हैमरेज भी कह सकते हैं। तो हैमरेज किसकी कमी से होता है, विटामिन के की कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है, जिसका भी बताया गया था कि इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया रोग का कारण है, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी, आयोडीन की कमी, आयरन की कमी। तो एनीमिया रोग जो होता है वो आयरन की कमी के कारण होता है, और एनीमिया में क्या होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, यानी कि सेल थियरी किसने दिया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो स्लाइडेन तथा स्वान ने। स्लाइडेन तथा स्वान ने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन, कि कोशिका का नियंत्रण होता है किसके द्वारा, कोशिका पर नियंत्रण होता है, कोशिका द्रव्य द्वारा, केंद्रक द्वारा, लवक द्वारा, कलाओं द्वारा। तो जो केंद्रक होता है वही क्या करता है, कोशिका का नियंत्रण करता है। अगला, किस कोशिकांग में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसमें से जो लाइसोसोम होता है इसी में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, क्योंकि जब कभी भूख लगता है तो शरीर को ऊर्जा देने के लिए लाइसोसोम फट जाता है और कोशिकांगों का पाचन कर देता है।